आगामी विधानसभा चुनाव में मतदाताओं को सुरक्षा का भरोसा दिलाए जाने को लेकर अधिकारियों ने अर्धसैनिक बल के साथ फ्लैग मार्च किया। अररिया जिले के 202 विधानसभा क्षेत्र बिधोना में जिलाधिकारी सुनील कुमार, पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा के निर्देशन में उप जिलाधिकारी लोकगीत कौर, राम अवतार वर्मा, CO महेंद्र प्रताप सिंह, तहसीलदार करम सिंह, जितेश कुमार, कोतवाली प्रभारी शशि भूषण मिश्रा और अधिकारियों ने अर्धसैनिक बल के साथ कस्बे के अति संवेदनशील इलाके के अलावा क्षेत्र के गांव रटगांव, मऊगुरा, भटौरा, कुदरकोट, वैवा, रूरगंज इलाके में फ्लैग मार्च कर मतदाताओं को सुरक्षा का भरोसा दिलाया। इस दौरान अधिकारियों ने संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों पर पहुंचकर बूथों के बारे में जानकारी ली, मतदाताओं से निसंकोच अपनी मनमर्जी के आधार पर स्वतंत्र रूप से मतदान करने का भरोसा दिलाया। फ्लैग मार्च होने के बाद SDM लोकगीत कौर ने कहा, चुनाव को लेकर सुरक्षा व्यवस्था की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। CO महेंद्र प्रताप सिंह ने कहा, मतदाताओं को स्वतंत्र रूप से मतदान करने के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए, शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न कराए जाने के लिए सभी प्रबंध कर लिए गए। सुनिए अधिकारी ने आगे क्या कुछ कहा। तरीके से सतर्क है, हम सब अपने अपने एक्शन मोड में हैं, हर तरीके से नजर रखी जा रही है, कहीं कोई किसी को किसी तरीके का प्रलोभन ना दे। एकदम निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए, जिसके लिए हमने अभी फ्लैग मार्च निकाला है ना। हमारी तैयारी अपनी तरफ से संपूर्ण है, कहीं भी किसी तरीके की कोई भी कमी नहीं रहेगी। सर, आज आपके द्वारा भारी पुलिस बल के साथ फ्लैग मार्च किया गया है, किस वजह से किया गया और सर कहाँ कहाँ फ्लैग मार्च हुआ? विधानसभा चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए लोगों में शांति एवं विश्वास पैदा रखने हैं। बिधोना थाना के प्रमुख कस्बों जैसे रोरोगंज, कुदरकोट एवं बिधोना कस्बा एवं अन्य प्रमुख कस्बों तथा 22 क्रिटिकल गांवों का CAPF के साथ फ्लैग मार्च किया गया है। सर, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे मतदाताओं? सुरक्षा व्यवस्था की हमारी पूर्ण तैयारी है। लोगों में शांति एवं विश्वास पैदा करने के लिए मेरे द्वारा लाउडहेल का प्रयोग करके लोगों से शांत की अपील की गई तथा उनमें विश्वास, शांति एवं सुरक्षा का विश्वास पैदा करने के लिए जगह जगह पर रोक करके फ्लैग मार्च भी किया गया तथा उनको अनाउंसमेंट करके बताया भी गया।